हाय हाय। एक मूवी थी मुंबई टू गोवा, कौन नहीं जानता उसे। उसमें एक किरदार एहसान कुरैशी, बहुत अच्छे शायर हैं इंडिया के, और पाकिस्तान भी उनकी आमद हुई है कई मुशायरों में, तो वो ख़ुद उसमें थे। बहुत ही ज़बरदस्त कलाकार हैं। तो आज हम देखते हैं मुंबई टू गोवा, लेकिन मूवी नहीं, कुछ और। ये है जो सबसे बड़ी लग्जरी क्रूज़ शिप है उसका सफ़रनामा है, आप कह सकते हैं। और किसी ने बयान किया है जिनका नाम है कर्ली टेल्स के नाम से खातून है। तो कहाँ की है ये नहीं पता, बस इतना ही नाम से जानता हूँ मैं। और मुंबई टू गोवा जाने के लिए कितनी मुश्किलें उन्होंने झेली थी फिल्म में, लेकिन ये क्रूज़ शिप में कितने मज़े से जाते हैं आज वो देखेंगे भाई। मुझे बहुत शौक है यार क्रूज में जाने का। मुझे भी है, किसको नहीं होगा। किसको नहीं होगा, लग्जरी आइटम है ये। चलो स्टार्ट करते हैं। ओए होए, असंभव। अच्छा ये है, ये तो इंडियन ही है। दो रातों का सफर, हाँ मज़ेदार होगा ना यार। यार बहुत बड़ी है भाई, बहुत बड़ी है। उसके अंदर भी है यार, क्या चीज़ है। कश्ती में कश्ती है। यार हम अपने शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते, ऐसे दूसरे शहर में है ही नहीं, ये मंगवानी पड़ती। बहुत हाई फाई चल रहा है भाई मामला। हाँ ये होता है ट्रेडिशनल तरीका वेलकम करने का, सकाफत हर जगह। वाकई यार क्या बात है, वे भाई क्या चीज़ है। वैसे खड़ी हुई क्रूज में तो हम भी गए हैं, लेकिन सफ़र नहीं किया। सफ़र नहीं किया ना, क्रूज शिपियाँ आती हैं टूटने के लिए। हाँ टूटने के लिए, अगर आपको पता हो तो। ये आप लोग देखना, यहाँ पर साहिल पे आती हैं, दुनिया की सबसे बड़ी या दूसरी बड़ी अभी रिसेंटली आई थी टूटने के लिए। अंग्रेजी क्यों बोल लिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बहुत लग्जरी है यार, उफ झेली सी हो रही है। समझो तुम वहाँ लेटे हो। अबे यार यही लाइफ चाहिए मुझे यार, यहाँ लेटा हूँ भाई। 2000 बंदे तक जा सकते हैं एक साथ। इसके साथ एक छोटा जहाज क्यों बना हुआ है, मेरी ये समझ नहीं आ रहा। कोई मसले मसाइल हो जाए तो उसको गिरा के उसमें क्या कर लेगा, वो तो इतना सा है। ये बात भी है। ऐसी वीडियो बनाना तुम मेरी पीछे से। हाँ सही, मैं खड़ा हूँ ना। डन, तुम बहुत साफ सुथरे, बहुत जबरदस्त बने हैं। ओशियन व्यू, झेली सी हो रही है यार। क्या नज़ारा है, कहीं टूर पे जाने से बेहतर है कि आप ये एडवेंचर करो भाई। लेकिन रात में डर नहीं लगेगा यार, ये तो बहुत आला। मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा, एक तो शहर से दूर, दुनिया से दूर। दो दिन भी गुजार दिए ना यार, दो साल अच्छे से गुजरेंगे। हाँ दिमाग फ्रेश हो जाएगा। गिर मत जाना भाई, हाथ पकड़ लो। ऐसी बात नहीं करो, भाभी देखेंगे ना। इसके मुंह पे ब्लर कर देना। हाँ फिर
फूड कोर्ट, यानी हर मुल्क का खाना मिल जाएगा। आह क्या बात है यार, मज़ेदार। सब ठीक, चाइनीज भी है, चिकन। Chopsticks. Restaurant inside the cruise, which is supposed to be one of their hot choices. It has an a la carte system, and what I have been told, that Asian cuisine out here is not to be missed. Yeah. So let me dig in. अबे यार, अपने खाने का क्या मेन्यू है? भूख लग रही है। अब लग पड़ी भूख। मेन्यू देखना पड़ेगा यार अपने। यार ऐसी मूवियाँ नहीं दिखाया करो यार मुझे। मुझे नहीं पता इतनी एक्साइटिंग हो गई है। ये क्या क्या लेके बैठी हुई है ये भाई, पूरे दो दिन है। चल रहा है यार, मतलब दुनिया है पूरी। क्या बोलते हैं ब्रह्मांड हिंदी में? क्या बोलते हैं ब्रह्मांड बोलते हैं? नहीं आइडिया नहीं है। इतना बहुत बड़ा अरेंजमेंट है, नहीं बंदे को बोर नहीं होने देंगे। पूरा ऑडिटोरियम बने हुए, स्टेज बनी हुई है। खो गए अगर इसमें तो? हाँ यार, मैं तो अभी खो गया। पत्ते खेल सकते हैं, हमें पत्ते खेलने का एक बड़ा शौक है। है शौक है। बड़े पैसे जाया कर रही है, जीत गई। जभी तो कितना आसान होता है। मुझे तो लग्जरी ऑफ वेकिंग अप नेक्स्ट टू एंड दोस्त। अच्छा रात का कुछ नहीं दिखाया। बहुत अच्छा नज़ारा है, आप तो पक्का है, डन है, तो जाना है भाई। इसको ये पार्क करवाने वाली किश्तियाँ होती हैं शायद। हाँ अब कहाँ घुस गई है? अच्छा कॉकपिट में आ गई ना। ऐसे गर्दन हिला रही है जैसे उसको समझ आ रहा है ना? घंटा समझ में नहीं आ रहा होगा। इतने बटन हैं? इतने बटन होते हैं उसमें और क्या। वो लोग जगमराने के लिए आए हैं जो इसको गर्दन हिला के समझ में आएगा। क्या अश्लील अश्लील चीजें दिखा रहे हो यार। स्पा, हांगकांग की स्पेशलिटी है स्पा। ये एक्सपीरियंस तो है, बस क्रूज रह गई। आई डोंट लाइक मतलब हर चीज का इंतजाम भरपूर है भाई। तो पैकेज 19,000 बहुत सही है, कुछ ज़्यादा नहीं है। इतना सारे एडवेंचर के लिए ये पैसे कुछ भी नहीं है भाई। चलो जी यार, ये जिस हिसाब से इसने आखिर में पैसे बताए उससे ज़्यादा तो हम रहीमा खान में उड़ा के आ गए थे। हाँ ऐसा ही है। तो क्रूज़ मेरा बहुत सस्ता है। हाँ बहुत सस्ता है मेरे साथ। तो हम लोग गए हैं अभी, मैंने कुछ दिन पहले ही पिछले हफ्ते फैज़ान भाई को एक पैकेज बताया था क्रूज़ पर लंच का। कितने टाइम का था? मेरे ख्याल 5-6 घंटे का था। तो फिर नहीं जा सके। वैसे खड़ी हुई शिप में तो गए हम लोग, सफ़र नहीं किया। ये एक सफ़र बाकी है जिसके बाद तो हम पर लाजिम हो गया है। हाँ, कि हमें जाना चाहिए। तो बस नहीं। अब तो रह नहीं सकते। और हो सकता है कि हम वहाँ पर व्लॉग बनाएँ, लेकिन व्लॉग इस पर डाल सकते हैं या उसको? बिल्कुल फरमाइश तो, अगर फरमाइश होगी तो। वैसे हम क्रूज़ पे व्लॉग बनाएंगे, बाकी और जितने मुल्कों का शहरों का सफ़र होगा
नेक्स्ट वो फ्यूचर के लिए वो भी हम ज़रूर डालेंगे, क्योंकि हम बड़ा वीआईपी ब्लॉग बनाते हैं, अभी तक डाला नहीं है हमने, लेकिन बनाते फैजान में बहुत अच्छी ग्राफिक करते हैं। तो अब क्या करना है, कब चलना है ये बता दो, छोड़ो सबको, बस जितना जल्दी हो सकेगा इस पे हम कुछ ना कुछ करेंगे भाई। ये अब आ गया ना स्टोरी, अच्छा में। इन्होंने लिस्ट में आ गया, इन्होंने दिखाया ना, अब हम दिखाएंगे जाके, अब हम वहाँ पे बनाएंगे, हम देखेंगे क्योंकि हम लड़के हैं। हाँ यार ये बड़ा मसला है, ये मसला। अच्छा तो कोई ना कोई वीडियो के हवाले से आज की वीडियो जो है ना आपने देख लिया वो रिएक्शन से किस तरह की थी, मज़ीद कुछ कहने लायक है नहीं इसमें, क्योंकि बहुत आउटस्टैंडिंग थी, बहुत ज़्यादा लग्जरी थी और मतलब फुल ऑफ थ्रिल थी, हर मोमेंट बहुत अच्छा लगा। तो और आप लोग को ये मैसर है तो इसको ज़रूर इंजॉय करें भाई, ज़रूर ज़रूर नहीं है, ठीक है, लाइफ इसी का नाम है। मैं भी यही चाहता हूँ कि लाइफ हो तो लग्जरी हो, बाकी ज़िंदगी की टेंशनें लगी रहेंगी, टेंशनों को मारो गोली, अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारो यार, बेहतरीन अंदाज में गुजारो, टेंशनों को सवार नहीं करो, घूमो यार जाके, 19,000 रुपये हद हो गई यार, इतना सस्ता। चलो चलो मिलते हैं, घूमने जाओ, हम लोग जाते हैं खाना खाने।